नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मधेश। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में शुरुआत से ही व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कुछ IAS और IPS अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं। चर्चा थी कि जल्द ही पुलिस महकमे में भी तबादले होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्ता अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की 24 मार्च 2022 को बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। कहा गया है कि मदरसों में अब सुबह दुआ के साथ राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या आ रहे हैं। उनके अयोध्या आगमन का कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह विरोध कर रहे हैं, मगर अब वे भाजपा में अलग थलग होते दिख रहे हैं। अनुदानित दर पर बिजली की मांग बुनकरों की रहती है। अभी योगी सरकार 5 किलोवाट तक के पावर लूम यानी कि बिजली चलित करघा को अनुदान दे रही है। अब विचार किया जा रहा है कि 10 किलोवाट तक के कनेक्शन पर अनुदान दिया जाए। उत्तर प्रदेश के खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे 24 न्यूज़।